मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक DIY हेयर ऑयल। तो हमने यहाँ प्री हीट कर दी है हमारी कढ़ाई, जिसमें मैंने डाले हैं मेथी दाना थोड़े से मुट्ठी भर, और उन्हें कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। हम उन्हें भूनने के बाद उसमें, देखिए अभी मैं आपके सामने भून रही हूँ, आप इसी तरीके से भूनिए। एंड जैसे ही आपको उसका थोड़ा सा कलर चेंज होता हुआ देखिए, आप उसमें अपना पसंद का कोई भी कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्जिन या प्योर कोकोनट ऑयल हो अवेलेबल तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से मैं कर रही हूँ, एंड आप ट्राई ज़रूर कीजिए इसे। आप इसे ट्राई करेंगे तो इससे आपको डैंड्रफ में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे गर्मियों में हमें बहुत डैंड्रफ हो जाता है, वो डैंड्रफ रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा ये ऑयल। प्लस बच्चों को अगर जुए पड़ जाती हैं तो भी आप जुए निकाल सकते हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं वीकली ट्वाइस, वो भी नहाने से एक या दो घंटा पहले एज़ पर योर स्किन सेज। ठीक है, तो हम एक घंटा पहले इसको अप्लाई करेंगे, हल्के हाथों से मसाज दे देंगे। अपने रूट्स में अप्लाई करना है हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, ओके, एंड रूट्स में अप्लाई करने के बाद उसे एक घंटा हम छोड़ देंगे, फाइन। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए मैंने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे पैराशूट ऑयल लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे, मींस थोड़ा सा उबाल आने देंगे, ताकि मेथी दाना अपना पूरा प्रोटीन, अपना जो भी उसका अंदर का तत्व है वो उसमें दे दे। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने मुट्ठी भर लिए हैं, साबुत ताज़े, मैंने धो के सुखा दिए थे। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसे हम 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए रख देंगे। उसी में मैंने थोड़े और कड़ी पत्ता ऐड किए हैं। इस कड़ी पत्ता को ऐड करने के बाद हम थोड़े से, बिल्कुल ज़रा से, जैसे ये मैंने पूरा मुट्ठी भर लिया था, यहाँ पे हम छोटी मुट्ठी या 12 से 15 नीम के पत्ते ऐड करेंगे। नीम के पत्ते इसलिए ताकि किसी को बालों में जुए हैं बच्चों को, तो नीम बहुत हेल्प करता है उसमें, वो जुए ख़त्म करने में, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इवन दो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई में भी मन लगता है, इट इज़ टू रिलैक्सिंग, ऐसा रहता है ना। एंड उसके बाद हम इसे धीमी आंच कर देंगे। आप देखिए ब्यूटीफुल पत्तों ने अपना कलर कैसे चेंज कर दिया, कितना सुंदर लग रहा है उनका कलर। 2 शेड हो गए हैं अभी कलर पत्तों के, क्योंकि उन्होंने अपना तत्व उस तेल में दे दिया है, क्योंकि हम हेयर ऑयल बना रहे हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे अनियंस। अनियन किस लिए? अनियन हमारे 2 काम आते हैं। इसमें मैंने 2 अनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब आप इसे देखिए वो कितना जल्दी से उबाल आ रहा है, वो एक एक स्लाइस अलग कर रहा है। अब अनियन हमारा यूज़ क्या करेगा? अनियन हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत काम आता है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है अनियन के लिए, अनियन से। प्लस डैंड्रफ वाला जो स्कैल्प है, अगर किसी का ऑयली डैंड्रफ स्कैल्प है, उसमें बहुत बारी होता है कि रैशेज़ हो जाते हैं लोगों को, इवन वो मुझे खुद को हो चुके हैं, तो ये मैंने खुद पर ट्राई किया है एंड टेस्टेड है। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है, एंड बहुत रिलैक्सिंग लगेगा आप जब भी यूज़ करेंगे इसे। हम कुछ सेकंड के लिए, स्क्रीन पे मैंने दिया है 40 to 60 मिनट्स, अगर हम तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो। अगर धीमी आंच पे पकाना है, आपको कुछ काम है, तो 60 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे पकाएंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा पकने देंगे, कलर जैसे चेंज होगा कुछ सेकंड के लिए, हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इसे हम पकने देंगे, प्रॉपरली स्टीम होने देंगे, ताकि अनियन अपना तत्व उस तेल में छोड़ दे, है ना। इसके बाद हम लेंगे हिबिस्किस के फ्लावर्स। हिबिस्किस के फ्लावर्स आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इनकेस अवेलेबल ना हो तो, बट अगर अवेलेबल हैं तो ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये भी हेयर ग्रोथ के लिए, शाइन लाने के लिए हमारे हेयर में बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट हमारा हेयर ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक किसी किसी को डेंसिटी का इशू होता है, लाइक बाउंस नहीं है, बार बार हमें बाल कटवाने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ही अच्छा रिजल्ट देता है। बस आपको
प्रॉपरली इसको यूज़ करना है इधर नाइट में, अगर आपके स्किन में कोई इश्यूज़ नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन या सेंसिटिव स्किन नहीं है, लाइक एक्ने प्रोन नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप नाइट में इसे यूज़ कीजिए। नाइट में स्कैल्प पे प्रॉपरली मसाज कीजिए, वीकेंड पे या जब भी आप फ्री है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे 5-10 से 12 कपूर लिए हैं, बट ये है शुद्ध कपूर, जिसे हम बोलते हैं देसी कपूर। देसी कपूर मैंने इसलिए डाला है ताकि रूसी और जुएं बिल्कुल ना हो। दूसरा, ये हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स फील कराता है। इसका सुगंध ऐसा होता है ना कि इंसान को अगर नींद नहीं आ रही है, कभी आपको प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मुझे बहुत लग रहा है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, पर सोने जाओ तो नींद ही नहीं आती है, राइट? तो आप इसे ज़रा सा लगाएंगे ना अपने सिर में, इसकी फ्रेग्रेंस लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब देखिए मैंने इसमें जो मेरे पास बचे हुए नीम के पत्ते थे, इसके ऊपर मैंने वो ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे इसे पूरा कुक नहीं करना था अब एक साथ, ठीक है? अब ये देखिए कितना अच्छा, अभी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा इसमें इतना कलर, बट उसने पूरा कलर चेंज कर दिए, येल्लोइश ब्राउन, लाइक पेल ब्राउन हो चुका है हमारा कलर। बट धीरे धीरे वो पक रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा हमें धीरे धीरे मिक्स करते जाना है, क्योंकि नीम के लीव्स हमने अभी ऐड किए हैं, तो 2-5 मिनट 10 मिनट्स को हम इसे और पकने देंगे। हाँ, ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको कितना ज़्यादा बनाना है और कितना कम बनाना है। अभी मैंने यहाँ पे ये देखा, चेक किया कि उसमें उबाल कितना आया है कितना नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा अच्छा खासा फ्लेम आ रहा है, कलर्स देखिए कितने अलग हो चुके हैं। ये मैंने लिया है एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास का, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा सा लेमन ग्रास का फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसमें एक ढक्कन डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पूरा ऑलमोस्ट एक मीडियम बॉटल तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा ऑयल अभी कम्प्लीटली रेडी है, रेडी टू यूज़ है, ठंडा हो चुका है, मैंने छान लिया है इसको एंड अपने बाउल में डाल दिया।